तो दो दिन के वाराणसी के अहम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम दौरा वाराणसी का उनका बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी का अहम दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो दिवसीय अहम दौरा वाराणसी का बताया जा रहा है। मेडिकल व्यवस्थाओं का भी वो फीडबैक लेंगे। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। संतोष ओझा तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संतोष, अहम दौरा बताया जा रहा है वाराणसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? 4 बजे ये एयरपोर्ट बीएचयू उतरेंगे। संतोष, आप सुन पा रहे हैं? नल्ली ये लगभग 4:30 बजे भारत पहुंचेंगे। संपर्क नहीं हो पा रहा संतोष से, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। तो दो दिन के वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री, तो दो दिन का अहम दौरा वाराणसी का बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसी के साथ आपको बताएं, वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का हाल भी जानेंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय अहम दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना की व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों के साथ यहां सीएम कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठकर उनको दिशा निर्देश देंगे। विकास कार्यों की हकीकत देखने के बाद योगी आदित्यनाथ काशी में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। शाम करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। संतोष ओझा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे रिपोर्टर डॉक्टर संतोष ओझा, बताया जा रहा है दो दिवसीय अहम दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए 4:30 बजे के आसपास ये बीएचयू एयरपोर्ट उतरेंगे और वहां से ये वहीं पे सेंट्रल हॉल में एक बैठक करेंगे। बैठक में कोविड से लगायत उन चीजों पर नजर बनाई जाएगी जो शहर में इस समय चल रही है। यहाँ से ये सर्किट हाउस पहुंचेंगे जहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों से एक मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे जहां पूजन दर्शन के बाद कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वापस ये फिर से एक बार सर्किट हाउस आएंगे जहां रात्रि विश्राम करेंगे और कुछ चुनिंदा लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ये वापस गोरखपुर अगले दिन गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक व्यापारी नेता ने भी उनसे फोन पर बातचीत की थी, क्योंकि निजी हॉस्पिटल काफी ज्यादा मनमानी कर रहे हैं। इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया था उस व्यापारी नेता को कि मैं वाराणसी दौरे पर आऊंगा। क्या लगता है इस दौरे के बाद स्थितियां ठीक हो पाएंगी? देखिए नल्ली, इस दौरे को दो ढंग से देखा जा सकता है। पहला तो ये कि एक व्यापारी नेता द्वारा शिकायत और शिकायत के बाद उसे आश्वासन देना कि वो जल्दी बनारस आएंगे और पूरी चीजों पे अपनी नजर लगाएंगे। निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि बीएचयू की कोविड अस्पताल के साथ साथ बनारस के तमाम उन प्राइवेट अस्पतालों की भी समीक्षा की जाएगी जिनपे कोविड अस्पताल के रूप में डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ पहले भी बोला गया था कि इन अस्पतालों में सीसी कैमरा लगाए गए जाए जो अभी तक नहीं लग पाए हैं, इस बात का भी जायजा लिया जा सकता है। जो अंदेशा जताया जा रहा है
कि निश्चित तौर से अधिकारियों को न केवल एक डांट पड़नी है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जिन अधिकारियों ने और जिन डिपार्टमेंट ने अपने काम को सकुशल संपन्न कराने में अभी तक फेल रहे हैं उनके पर शायद कार्रवाई भी हो। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट जरूर पहुंचाएगा दौरे को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अहम दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दो दिवसीय अहम दौरा वाराणसी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर झांसी में शनिवार को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण होगा और कार्यक्रम में देश के 75 कृषि विश्वविद्यालय के छात्र भी जुड़ेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी लाइव सुन सकेंगे। इसके अलावा 721 कृषि विज्ञान केंद्र, 130 इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और पीएम किसान योजना के लाभार्थी समेत तमाम लोग इसमें जुड़ेंगे। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लोकार्पण से जुड़ी सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर, बताया जा रहा है कि 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 300 एकड़ में फैले ये विश्वविद्यालय लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो पीएम कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं। कार्यक्रम में 75 कृषि विश्वविद्यालय के छात्र भी जुड़ेंगे। सीएम योगी भी, बताया जा रहा है कि सभा को संबोधित करने वाले, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। पीएम मोदी कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से करेंगे। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, उनका भी अभिभाषण होगा, छात्र भी यहां पर जुड़ेंगे। मनीष श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी और किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बताया जा रहा है वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल नली, वर्चुअली ये पूरा को पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कई बार ये प्रोग्राम जो बना प्रधानमंत्री का यहाँ आने का था और मुख्यमंत्री जो है लोकार्पण करने के लिए झांसी आना था, लेकिन कोरोना के चलते वर्चुअली ही इसका लोकार्पण होगा। 12:30 बजे का ये दोपहर में समय रखा गया है, जहाँ से झांसी से खासतौर पर जो किसान है और जो छात्र है वो भी 50 छात्रों को लिया जाएगा। एक संबोधन भी, एक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और तमाम जो देश के और भी जगह से, तमाम जगहों से भी लोग जुड़ेंगे और तकरीबन 50,000 लोगों की जुड़ने की इस पूरे प्रोग्राम में ये संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी कुछ लाभार्थी जुड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये पूरे देश से लिया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाई गई है, पूरे देश में 75 यूनिवर्सिटी है, उनमें जो अत्याधुनिक जो तरीके से जो बनाई गई है और बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी लागत में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, 300 एकड़ में ये पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के किसानों के लिए और यहाँ छात्रों के लिए ये काफी कारगर साबित होगी। निश्चित तौर पर अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्वविद्यालय ने 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया था और तमाम यहां पर सम्मानित लोग भी जुड़ने वाले हैं। आनंदीबेन पटेल भी जुड़ेंगी, वर्चुअल तरीके से इसका लोकार्पण होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ती खबर लखनऊ से आपको बताएं, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सीएम योगी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए, ये भी कहा गया है। एनडीआरएफ की 12 एसडीआरएफ और पीएससी की 17 टीम तैनात रहे। प्रदेश में 373 बाढ़ शरणालय, 774 जुड़ेंगे यहां पर, तो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बाढ़ से काफी ज्यादा हालात खराब है उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त, बाढ़ प्रभावित जिलों में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए, पेयजल के लिए भी क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जाए। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 12 एसडीआरएफ और पीएससी की 17 टीमें तैनात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से और लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिहाज से चौकियां भी स्थापित करने के लिए कह दिया गया है, बाढ़ प्रभावित चौकियां। वनीट और जेई की परीक्षा को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की मंशा
साफ जाहिर करती है। और सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से भी कोरोना की कोई खबर नहीं आई। दरअसल लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम ने ये तमाम बड़ी बातें कही। प्रारंभ हो चुकी है 3,26,00,000 महिलाओं के जनधन अकाउंट में। प्रारंभ हो चुकी है। वही कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के आखिरी वर्ष के एग्जाम करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है और शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं हो सकेंगे। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षा पर सामने आया है। इस बीच एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में महिला समेत 3 लोग बताया जा रहा है कि दबे हैं। महिला की मौत हो गई है। पिता पुत्र घायल बताया जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक बड़ा हादसा हो गया दीवार के गिरने से। बताया जा रहा है कि एक महिला दबने से उसकी जान चली गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये दीवार गिर गई थी। और मलबे में दबने से एक की मौत हो गई। पिता पुत्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन दुखद मौत महिला की हो गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के मामले में पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव समेत 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। और मामला उतरौला कोतवाली क्षेत्र के बढ़िया भैसाई गांव का है, जहां स्थित कब्रिस्तान में आतंकी अबू यूसुफ ने अप्रैल में विस्फोटक का परीक्षण किया था। धमाका होने पर भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आतंकी के घर में तलाशी की और विस्फोटक पदार्थ मिले और फिदाइन जैकेट समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी ने अप्रैल में हुए विस्फोटक परीक्षण मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव और साथ ही हल्का प्रभारी उप निरीक्षक शशिभूषण पांडे, बीट आरक्षी रमेश कुमार, पंकज कुमार और साथ ही एलआईयू के बीट प्रभारी अनिल यादव को निलंबित कर दिया है। जो कि बलरामपुर के थाना उतरौला क्षेत्र का रहने वाला है, के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर महोदय द्वारा स्थानीय अधिसूचना संकलन में घोर लापरवाही बरतने के परिप्रेक्ष्य में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें एक निरीक्षक, एक सब इंस्पेक्टर और 3 आरक्षी। यह एक बहुत ही संवेदनशील घटना है और इस पर इनके द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, अतः ये कार्यवाही की गई है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ और कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी न्याय न मिलने से परेशान संजीत के परिजनों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इनके बीच करीब आधा घंटा की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की बात को सुना। कानपुर से आए संजीत यादव के परिवार के अखिलेश यादव ने 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। इस दौरान पीड़ित परिवार ने उसे अपना दर्द भी बयान किया। मुलाकात के बाद संजीत के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।
पूरा पूरा भरोसा है और हम दीपक जब तक ऐसे ही जलता रहेगा जब तक मेरे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे की डेड बॉडी लेने का योगी जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं योगी जी से क्या कहना चाहती है? योगी जी से कहना न्याय मांगते हैं, न्याय हमको चाहिए और जिस हाल में वैसा मेरा बच्चा चाहिए। योगी जी से यही मेरा कहना है। न्याय दिलाने के लिए बोला है, न्याय दिलाएगा। दीपक जो जलता है वो जलता रहेगा, इसलिए कहा है कि न्याय आपको मिलेगा। परसों जब टेलीफोन से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया पीड़ित परिवार से, तो पीड़ित परिवार ने इच्छा जाहिर किया कि हमें आपसे मिलना है। तो आज हम लेके आए थे पीड़ित परिवार को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले, पुनः 2 लाख रुपए की मदद भी किए आज फिर, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ है, आगे इनके न्याय के लिए जो भी करना होगा पार्टी इनके साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ी रहेगी। वहीं बस के कुदराहा ब्लॉक में माझा कला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर बंदरबांट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत गांव के ही रामचंद्र ने शासन और प्रशासन में की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि माझा कला गांव सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर प्रधान ने सरकारी धन में जमकर गोलमाल किया। गांव के भगवंतपुर और गंगापुर पूर्वी में प्रधानमंत्री आवास कई अपात्रों को दे दिए गए हैं, जो कि गांव में रहते ही नहीं है। जब ग्रामीणों ने इसकी पड़ताल की तो इस गोलमाल का खुलासा हो पाया है। हमने शिकायत किया जिलाधिकारी को कि फर्जी तरीके से हमारे यहाँ आवास निकाला गया है, कोई सुनवाई नहीं हो पाई वहाँ पर। कितने लोगों के नाम पे निकला है? यहाँ पर निकला है 3 आदमी के नाम से निकला हुआ है। किस जगह? भगवंतपुर में। ये कौन सा गांव है? ये भगवंतपुर है। भगवंतपुर में मुंडा राम चौधरी के नाम से निकाला गया और राजकुमार लालमन के नाम से निकाला गया और इलाहा में जियालाल बरकू के नाम से निकाला गया आवास और बदांगी के नाम से आवास निकाला गया, जिसका मकान ही हमारे यहाँ। राम कुमार यादव और जयंती और मुन्ना राम चौधरी भगवंतपुर में है ही नहीं है, इनका आवास निकल गया है। ये नहीं मालूम किसने निकाला है, प्रधान ने निकाला किसने निकाला है। आखिर में ये कैसे यहाँ कैसे निवासी होंगे तभी तो? नहीं निवासी सर है ही नहीं है, ये लोग वाटर लिस्ट में फर्जी है सर। फर्जी नाम से पैसा निकल गया? फर्जी नाम से पैसा निकल गया है। कितना निकला है? 1,20,000। अच्छा, एक आदमी का। तो गड़बड़ झाला कौन किया? ये प्रधान ने किया और किसने किया हो? वहीं वाराणसी में चौका घाट इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मरने वालों में एक ट्रॉली चालक भी है, जबकि दूसरे की पहचान हिस्ट्री शीटर अभिषेक के रूप में हो गई है, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के हटिया का रहने वाला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस वारदात के हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। अभिषेक के साथ बाइक पर सवार दीपक गंभीर रूप से घायल है, जिसका शहर के मेडिकल में इलाज जारी है और पुलिस की अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। हिस्ट्री शीटर अभिषेक के व्हाट्सएप चैट में हथियारों के सौदेबाजी और नारकोटिक्स खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। पुलिस ने सैंगल पर काम करते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ा दिया है और इन धंधों से जुड़े कई बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अभी तक जो छानबीन हम लोगों ने की है, जो अभिषेक सिंह उस प्रिंस जिसकी मृत्यु हुई है, इनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके हत्या में भी जेल गए हुए हैं, ये गैंगस्टर में भी जेल गए हैं, और भी 3-4 मुकदमे इनके ऊपर एनिमिटी के जो 3-7 वगैरह के इनमें केसेज हैं। इनकी अपनी व्यक्तिगत रंजिशें चल रही हैं और ये मर्डर भी इन्होंने पहले किया हुआ, जेल गए हैं। इनका जो मोबाइल कॉल ना देखा गया, जो चैटिंग देखी गई, उस मोबाइल कॉल जो व्हाट्सएप चैटिंग्स हैं उसमें नारकोटिक्स और आर्म डीलिंग की भी बातें निकल के आ रही हैं कि इनके द्वारा ये कुछ जो नारकोटिक्स की सेल बिक्री और असलाम की सेल बिक्री भी की जा रही थी। तो ये इस एंगल को भी हम लोग देखें। वही मिर्जापुर के चुनार इलाके से 2.5 महीने पहले गायब हुए किशोरी वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में मिली है और किशोरी ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद पुलिस को बताई, जिसके बाद चुनार पुलिस ने मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही किशोरी का बयान भी दर्ज करवाया है। मामले में धारा 366, 376 और तमाम
पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। अब पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की पड़ताल होगी। आरोप ये भी है कि नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग लड़की को वाराणसी में बंधक बनाकर जबरन वैश्यावृत्त कराई जाती थी। लड़की को मारने पीटने के साथ ही नशे के डोसेस भी दिए जाते थे। पीड़िता का सिविल कोर्ट में 164 का मजिस्ट्रेटियल बयान भी दर्ज हुआ है। बिजनौर में पारिवारिक विवाद में एक बुजुर्ग की ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। घटना नगीना थाना क्षेत्र के बेगमपुर धीमरहेड़ी गाँव की बताई जा रही है। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।